मित्रों, जैसा मैंने आपको बताया कि हम लोग इसमें पैटर्न पर निकले हुए हैं दोचुला पास के। ये भूटान का सर्वाधिक ऊंचाई का स्थल दोचुला पास, समुद्र तल से 3310 मीटर की ऊंचाई पर। और ये उत्तराखंड के साहित्यकार अपने अन्य समूह के साहित्यकार सदस्यों के साथ यहाँ पे विराजित हैं, स्थापित हैं। पार्श में देख रहे हैं आप हरितमा, बड़े बड़े ऊंचाई के वृक्ष, हरितमा से लगदा के अरण्य प्रदेश या वन प्रदेश। और यहाँ पर इस स्तूपा में 108 स्तूपा जो आप देख रहे हैं, उसके साथ में उत्तराखंड का यह दल फोटो खिंचाता हुआ आप देख रहे हैं। सब लोग बड़ा मुस्कुराहट बिखेर रहे हैं इस स्थान पे। मैं डॉक्टर सरिता मोहन जी, जो कि पूर्व सचिव रही हैं उत्तराखंड संस्कृत अकादमी की, डॉक्टर हर्षमान बिष्ट जी, हिंदी अकादमी के पूर्व सचिव, श्री आजाद मोहन आजाद जी, जगमोहन आजाद जी, मैडम बिष्ट जी, डॉक्टर रेखा पांडे जी हल्द्वानी से, पूर्व प्रोफेसर पुरन सिंह बिष्ट जी। सर आपका नाम? हीरालाल साहू जी। कहाँ से आप? तबला वादक। क्या बात, बहुत अच्छा तबला बजाया था आपने, छत्तीसगढ़ से। हाँ, मैडम श्रीमती माधुरी नथानी जी, जो मेरी पूर्णांगनी है। मैडम बिष्ट और सर कौशल जी, आप मंत्री जिला कांग्रेस कमेटी, कांग्रेस कमेटी, कांग्रेस भी यहाँ भी आ गई है। मैडम आप छत्तीसगढ़ से? कृष्ण कुमार मरकाम, गांधीग्राम कंडे, जिला धमतरी छत्तीसगढ़। क्या बात है, पूरा भारत वर्ष यहाँ पर उपस्थित है। आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है।